press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. क्या शूट कर रहे हो आज आप? आज मैं एक स्पेशल सॉन्ग शूट करने आई हूँ. एक मेरे दोस्त हैं मधुविंदर जी, उनके रिलेटिव की फिल्म है और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ एक गाना कर दीजिए. सो मैं यहाँ पे वही शूट करने आई हूँ. जरा मुझे बताइए, राजू सिंह माही जी मुझे बताए गए हैं कि उसमें ये भी आप फीचर कर रहे हैं. जी जी, वही मधु जी के फ्रेंड हैं. तो और अब सिर्फ मधु जी के नहीं, मेरे भी फ्रेंड हो गए, बातचीत हुई उनसे. बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और उनकी फिल्म में ये गाना करने आई हूँ मैं. अब पहली बार अमरपाली जी, आप खुद अपने ही नाम से हैं कि अमरपाली नाइट्स जैसे शो है आपका प्रोग्राम, और एज ए हीरोइन प्रेजेंट हो रही हैं इसमें, और आपके फैन राजू सिंह माही आपका प्रोग्राम देखने आए. हाँ जी हाँ, एक्चुअली ये सिचुएशन फर्स्ट टाइम है कि किसी फिल्म में मैं हीरोइन बनी हूँ और मेरा कोई फैन है. मुझे बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट भी जब मैंने सुना, और मैं सुनते ही बोल दिया जी मैं करूँगी और टुडे आई एम हियर. अमरपाली जी, सब हम लोगों में से ज़्यादातर लोग, या यूं कहूँ सब लोग किसी न किसी के फैन हैं. अमरपाली किसकी फैन है? जिनके फैन लाखों में है वो अमरपाली किसकी फैन है? बॉलीवुड में या भोजपुरी में? दोनों में बता दीजिए. चलिए, भोजपुरी में तो ऑब्वियसली अनडाउटेडली दिनेश जी, आई थिंक सब लोग उन्हीं के फैन हैं. मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है. एंड हिंदी में तो ऑब्वियसली सलमान खान, तो मेरे सपनों का राजकुमार, लेकिन अभी रिसेंटली आई स्टार्टेड लाइकिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी अलॉट. मेरे फेवरेट एक्टर में वो भी आ चुके हैं, मुझे उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है. तो सलमान साहब दुखी नहीं होंगे कि भाई ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की फैन हो गई हैं? अमरपाली जी सबसे बड़ी फैन हुआ करती थी, अब नवाजुद्दीन की तरफ? नहीं, सबसे बड़ी फैन मैं आज भी सलमान खान की हूँ. आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी माई क्रश टिल माई वेरी लास्ट ब्रेथ. आज वैलेंटाइंस डे है, सोच रही हूँ उनको प्रपोज भी कर लूँ. सलमान खान, विल यू प्लीज़ मैरी मी? अमरपाली जी, मैं जानना चाहता हूँ आजकल आप एक्टिंग के साथ साथ, आप सोलो फिल्मों करने के साथ साथ, हीरोइन करने के साथ साथ आइटम सॉन्ग्स की तरफ भी मूव कर रही हैं, कोई खास दिलचस्पी आइटम सॉन्ग्स में? नहीं, एक्चुअली एक बार जब आपका नाम हो जाता है, जो कि आप ही लोग देते हैं, बहुत प्यार करते हैं ऑडियंस आप लोग मुझसे, जब आपके गानों के व्यूअरशिप आने लगते हैं यूट्यूब पर, तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आते हैं, और कई बार इतने अच्छे रिलेशन में से वो ऑफ़र आ जाता है कि आप चाह के भी ना नहीं बोल सकते, और बोलना भी नहीं चाहिए. गाना जब अच्छा है और अगर आप परफॉर्म करेंगे तो उससे फिल्म को फ़ायदा मिलेगा, तो आई थिंक करना चाहिए. सो मैं इसीलिए भी करती हूँ कि अगर वो परफॉर्मेंस फिल्म को बेनिफिट होगा, भोजपुरी इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, सो आई वुड ऑलवेज वांट टू डू इट. ज़्यादातर क्या होता था कि आइटम क्वीन होती थी, आइटम डांसर्स होती थी, वो हीरोइन बनने का सपना देखती थी, लेकिन अब अमरपाली फुल फ्लैश हीरोइन होते हुए अब आइटम क्वीन की तरफ पढ़ रही है, तो क्या वो इनसिक्योर नहीं फील करेंगी? नहीं, क्यों करेंगी? किसी की रोजी रोटी पे लात? ना, बिल्कुल नहीं. मैंने कहा मना किया है, हमारे इंडस्ट्री की जो दो टॉप की आइटम सॉन्ग करती हैं संभावना जी और सीमा जी, मेरी ही फिल्म में उन लोगों के आइटम सॉन्ग होते हैं, और उनसे बेटर मैं नहीं कर सकती. और मैं आइटम क्वीन बनना भी नहीं चाहती हूँ, मैं स्पेशल सॉन्ग क्वीन बनना चाहती हूँ. इसे आइटम सॉन्ग नहीं कहते, इसे स्पेशल अपीयरेंस कहते हैं किसी फिल्म में, जो एक एक्टर अपने को एक्टर अपने को फ्रेंड के लिए करता है. सो मैं तो चाहूँगी कि सीमा जी, संभावना जी खुद हीरोइन बने, और उनके पेट पर लात मार के मुझे क्या मिलेगा? और जैसे फिल्म का नाम है लव के लिए कुछ भी करेगा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा नाम है, और लोग ज़्यादा लोग ऐसे होते नहीं है जो लव के लिए कुछ भी करें, और इसमें आई एम श्योर कहानी बहुत अच्छी होगी, बहुत रोमांटिक कहानी होगी और लोगों को देख के मज़ा आएगा. संजय कोरबे जी जो डांस मास्टर जी हैं, हाँ
ये अब आप आए ना सही सवाल पे, तो कब से बिना मतलब के झगड़े लगाने वाले सवाल पूछ रहे थे। मास्टर जी के साथ मैंने जितने भी गाने किए जितने भी आज तक, आई थिंक मुझे बहुत ब्यूटीफुली मास्टर जी प्रेजेंट करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उन्होंने जब मेरा गाना कोरियोग्राफ किया होता है तो उसे जब मैं स्क्रीन पर देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। ही इज वन ऑफ माई फेवरेट मास्टर्स। मिलाना चाहेंगे? कहाँ हैं मास्टर जी, आइए, यही है वो। जी मास्टर जी क्या कहना चाहेंगे? बस अमर फाली का बहुत बड़ा फैन है, मैं खुद इसका जबरदस्त फैन है। इसके पहले मैंने इंट्री भी दिया, मैंने इनका कुकर वाला गाना मेरे को दिल को छू गया। फिर पवन राजा के गाने देखो, काशी अमरनाथ के भी गाने, इज वेरी ब्यूटीफुल आर्टिस्ट, ब्यूटीफुल एक्टर। और अभी हमारी एक फिल्म आ रही है निरहुआ चलन लंदन, उसके भी कई सारे गाने मास्टर जी ने किए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉन्ग्स। उस दिन मास्टर जी बहुत खुश भी थे शूटिंग पे, 10-15 फॉरनर लड़कियाँ आई थी, मास्टर जी का दिल बहुत लगा हुआ था सेट पे। उस दिन ज्यादा काम पे ध्यान दे रहे थे, हम लोग के साथ तो इतना ध्यान नहीं। आई एम श्योर कि इनको ठुमके आम्रपाली के ही अच्छे लगते होंगे। इज माय फेवरेट एक्टर, इज वेरी गुड परफॉर्मर आर्टिस्ट, क्योंकि मुझे मैं सभी के साथ काम था, ऐसा मैं किसी को नहीं, सब मेरे अपने लोग हैं। बाकी आम्रपाली के साथ मैं बहुत बहुत मतलब एक एक स्टाइल, एक एक मोमेंट वो ऐसा कैची करता है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं किया, नहीं यार इनके लिए मेरे को बहुत सोचना पड़ता है। नहीं बहुत अच्छा परफॉर्मर है, बहुत अच्छा स्टाइलिड है और अच्छी मतलब डांस बोल तो भी क्या बोलूँ, जितना मैं भी क्या भी सामने हो तो तारीफ इतना भी नहीं, इतना करूँ तो मैं कम है उनका में। बाकी मुझे काम करने बहुत मजा आता है, जैसा नाम आता है मुझे बताया डायरेक्टर ने, मतलब कौन है एक्टर, मैं तो इतना खुश हो गया, मतलब बोल कभी गाना करना है, बोल मेरा कुछ भी मैं भाई गाना करूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मेरे को बहुत मजा आता है अमरपाली मैम के साथ काम। अमरपाली जी आपके नाम पर इन्होंने प्राइज भी कम कर दिया इस गाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं मैं मास्टर जी को ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कभी मत करिएगा। आप ही कम कर देंगे तो हम लोग के लिए कौन लड़ेगा। बट नहीं, मास्टर जी का बड़प्पन है जो इतनी तारीफ कर रहे हैं और इतना इतनी प्यार से बात करते हैं मेरे बारे में, हमेशा मुझे बहुत प्यार बहुत दुलार देते हैं। और मैं हमेशा यही कोशिश करती रहूँगी, जितनी उम्मीदें मास्टर जी को मुझसे है मैं हमेशा उन पे बहुत बहुत अच्छी तरीके से उन उम्मीदों को निभा पाऊँ और वो मुझे जितना सिखाएं मैं उतना बहुत अच्छे से सीख के करूँ ताकि मास्टर जी खुश हो जाएं। मास्टर जी बात करें इसमें जो डायरेक्टर हैं धीरू ललन जी, हाँ उनके बारे में ठाकुर क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे, अमरपाली मैम को भी पता है। मैम आप फर्स्ट टाइम काम किए उनके साथ? जी हाँ, बहुत अच्छा है, न्यू कमल है, मतलब अपना यंग जनरेशन है वो भी चाहता है। उन्होंने भी मुझे बोला मैं चाहता है भगवान माता रानी करे वो भी आगे बढ़े, अमरपाली मैम फिल्म में गाने करे तो बोलते अभी सब इंडस्ट्री हमारे भोजपुरी पूरे समाज आज आइकॉन कर रहा है, तो बोलता ना सोना सोने पर अभी सुहागा हो जाए। बस मेरे एक ही प्रेयर है सबसे और मैं एक ही ब्लेसिंग करता हूँ, अमरपाली जी आप बहुत आगे जावे, मेरा वेल विशेष, मेरा हमेशा प्यार है आपके साथ, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मास्टर जी। आज आनंद जी मुझे पूछ रहे हैं कि आप आइटम सॉन्ग करने लगी हैं तो आप आइटम डांसर्स को आपने घर पे बिठा दिया, उनके पेट पे लात मार दी? नहीं नहीं, ये गलत बात, ये बात क्या है, थोड़ा डांटिए और फिर जब कैमरा बंद हो जाएगा तो मारेंगे। क्योंकि क्या बात है ना, सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है, जैसा डिमांड, जैसा आज ऑडियंस चाहेगा इनको क्या, जैसा आज पब्लिक चाहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर चाहेगा, तो वैसा करना पड़ता है डायरेक्टर को भी। सबका अपना अपना थिंकिंग है, सबका अपना अपना सोच है, मतलब इनकी सोच खराब है। ये बात जान लीजिए, आनंद जी की सोच खराब है, वो मेरे बारे में खराब सोच रहे हैं, मेरे बारे में उन्होंने अपने मन में बहुत नफरत पाल के रखी है, आज मुझे पता चला, वो भी वैलेंटाइन डे के दिन इतनी नफरत। और सबको वैलेंटाइन डे अपने तरफ से, हाँ आप सभी लोगों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे, भगवान करे आप लोग जिससे भी प्यार करें वो आपके जीवन में आए और आप बहुत खुश रहे उसके साथ। थैंक यू। और आनंद जी के लिए वैलेंटाइन डे क्या बोलेंगे? उनको बाद में बोलूं। और ये हमारे राजीव भाई, इज वेरी गुड फेवरेट एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर, मैंने भी बहुत गाने इनके किए, मैंने अभी गदर के गाने इनके साथ किए। और हमारे मेरा फेवरेट, मेरा बोलता मेरा मन पसंद एडिटर दीपक जवल जो पवन राजा में अमरपाली मैम के अपने गाने पे एडिट किए, कुछ मैम के बारे में कुछ बताइए। अमरपाली मैम, अमरपाली जी बहुत ही अच्छा डांस करते हैं, जरा जोर से बोलिए। हाँ मैडम बहुत अच्छा डांस करते हैं और
बहुत खूबसूरत दिख रही है, हम देखिए पवन राजा में। थैंक यू सर। बहुत अच्छा है, मतलब खूबसूरत ग्लैमरस नजर आई है इसमें। हम तो गाली के लिए, इस फिल्म के लिए कितना ग्लैमरस और कितना खूबसूरत दिखाने वाले हैं? बहुत दिखनी चाहिए, हम उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा दिखनी चाहिए। रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, ज्यादा डुपर 110 मिलियन क्रॉस किया है, क्रॉस ये गाना उससे भी ज्यादा हो जाए। डायरेक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, इस फिल्म का नाम है लव के लिए कुछ भी करेगा, भोजपुरी कैसा लगा आपको? आपका एक नया और अमित पाली मैम जी को पहली बार आपने उनके रियल कैरेक्टर को प्रेजेंट किया है। एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, मैं खुद इतना छोटा हूँ कि चाहकर भी इनके साथ काम नहीं कर पाता था, बट कैसी कैसे हो गया पता नहीं कैसे हो गया, ये भी नहीं बोल सकता, तो इनके साथ कर रहा हूँ, ये मुझे सपोर्ट कर रही है, इसके लिए इनको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू मैम। और हमारे दीपक सर को तहे दिल से धन्यवाद, मास्टर जी जो और राजेश भैया सब जो सपोर्ट कर रहे हैं इस फिल्म को बनाने में, पूरी टेक्नीशियन टीम, हमारे DOP है इमरान भाई, और कास्टिंग के जितने सारे लोग हैं, कास्ट एंड क्रू सब ने बहुत अच्छे से मेहनत किया इस फिल्म बनाने के लिए। और क्या बोलूं, और दो शब्द राजू जी से भी पूछ लेना। राजू जी, आप इधर बीच गोरेगांव से लेके अंधेरी तक की थी। हम लोग गाड़ी में बात करते करते कुछ ऐसा हुआ, फिर एक दिमाग में ना इसे करो, इन्होंने सजेस्ट किया, बात तो बात में एक माहौल बन गया, फिर हमारे डायरेक्टर के गुरुजी और हमारे गुरुजी हम लोगों ने आपस में कुछ बातें किया और आज इस जगह पे पहुंचे। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग मास्टर जी का भी है, क्योंकि ये तीनों सजेशन ही से है। राजू जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, लव के लिए कुछ भी करेगा, आप अपने किरदार के बारे में बताइए। भाई वो तो नहीं बताऊंगा, पिक्चर में देखिएगा, बस किरदार बहुत बढ़िया है। अच्छा हाँ। नहीं तो राजू सिंह माही डैशिंग विलन भी है और नेगेटिव शेड्स के रोल भी करते हैं, इसमें क्या मिला जुला कैरेक्टर होगा या फिर पूरा नेगेटिव होगा? नहीं बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा अगर कंपेयर करेंगे तो सोनू सूद दबंग का उस टाइप का मेरा कुछ करेक्टर है, और काफी अच्छा इन्होंने किया है, बहुत ही मजा आएगा। फिल्म में तो ये दिखाया जा रहा है कि आम्रपाली जी के आप फैन हो और आप उन्हें देखने आ रहे हो आम्रपाली नाइट्स में, असल में भी आप आम्रपाली जी के फैन हो? अरे वो तो बता दिया पहले कि भैया मैं दिनेश जी की उनकी सारी पिक्चर देखता हूँ जी, इनकी जितनी फिल्में अभी तक आई है उससे आप कुछ पूछ लीजिए, सब बता दूंगा सारी फिल्में आपको, लेकिन काम करने का मौका नहीं मिला था शायद? हाँ शायद पहली बार मिला है और काफी एक्साइट हूँ, अच्छा भी लग रहा है कि इतने बड़ा नाम YouTube की रानी, इंडस्ट्री की रानी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच जी। आम्रपाली जी, आप लोग रुलाएंगे क्या मुझे इतनी तारीफ करके? बड़े क्रेजी फैन है, ऐसा कोई क्रेजी फैन कभी मिला आपको जो आप पागलपन की सारी सीमाएं पार कर जाए आम्रपाली को असल जिंदगी में? नहीं नहीं मिला, और मैं भगवान से मनाती हूँ ऐसा कोई मिले भी नहीं। फैन पिक्चर मैं देखी थी शाहरुख खान की, तब से मैं बहुत डरी हूँ इस बात से, भगवान प्लीज आप लोग चाहे तो फैन नहीं भी रहेंगे तो चलेगा, लेकिन ऐसा फैन मत बनिएगा, जबरा फैन नहीं चाहिए। तो बड़े सारे फैन है जो आपको मिलने के लिए, आपको एक बार देखने के लिए, रूबरू होने के लिए, एक फोटो खिंचाने के लिए तरसते हैं। आज ही मैंने सोचा था कि मैं लाइव जाऊंगी, आज वैलेंटाइंस डे है, मैंने इंस्टाग्राम पर सब लोगों को बोला भी था कि मैं 9 बजे लाइव आऊंगी, लेकिन हम लोग यहाँ मड में शूटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है, मैंने कई बार कोशिश की कि मैं इंस्टा पे लाइव आ पाऊँ लेकिन फ़ोन ऑन नहीं हो पाया, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, मेरी ऑडियंस हमेशा मुझसे गुस्सा होती रहती है कि आप रूबरू नहीं होती हैं, बट आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ऐसा करूँ और मैं और फ्रीक्वेंटली आप लोगों से बात करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment. And that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.